चैनल, मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन और टैनिंग वगैरह बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो मेरे जो भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने पिंपल का ट्रीटमेंट बताया है, उसके लिए कोई क्रीम्स वगैरह बताई हैं, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या ये दाग धब्बों को दूर करेगा। तो मैंने सोचा मैं बहुत सारी क्रीम्स तो सजेस्ट कर चुकी हूँ कि कैसे दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं, किस क्रीम से कर सकते हैं, पर होम रेमेडीज़ मैंने शेयर नहीं की थी। तो मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं, क्योंकि हर किसी को क्रीम सूट नहीं करती। कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जिनकी स्किन पर होम रेमेडीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। मेरी स्किन पर तो क्रीम भी काम कर जाती है, होम रेमेडीज़ भी काम कर जाती हैं। तो वैसे भी गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी के मौसम में भी पिगमेंटेशन, टैनिंग होना बहुत ज़्यादा आम बात होती है। गर्मी से दाने निकल आना, पिंपल होना, ये भी आम बात होती है। पिंपल हुए तो दाग धब्बे हो जाते हैं, पर अब टैनिंग की बात नहीं है इस होम रेमेडी से। एक आइस क्यूब मैं शेयर करने वाली हूँ, इस आइस क्यूब को लगा के आप अपने दाग धब्बों को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइस के बेनिफिट्स तो आपको पता होंगे, स्किन के लिए आइस बहुत अच्छी होती है और हमें इसको अपने फेस पे जेंटली रब करना चाहिए। ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करती है, जैसे कि दाग धब्बे और जो भी दाने हो जाते हैं और पफ़ी आइस का प्रॉब्लम है, सुबह सुबह से उठ के हमारा फेस पफ़ी हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम को ये दूर करता है। पर ये जो आज आइस क्यूब मैं शेयर करने वाली हूँ, वो खाली वाटर से मिलकर बनी नहीं है। इसमें तीन चीज़ें यूज़ की गई हैं। जो इसको बनाने के लिए चाहिए लेमन, टमाटो और पोटैटो, आलू, टमाटर और नींबू, और इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। आलू को पील कर लीजिए और कट करके मैंने इसको जार में ले लिया है, क्योंकि इसको ग्राइंड करना है। और आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना होगा। तो मैंने पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है, और आप चाहें तो इसको छान सकते हैं, पर मैं छानती नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप छान लेंगे तो ये एक्सफोलिएशन का काम नहीं करेगा, और अगर आप नहीं छानते हो तब ये एक्सफोलिएशन का भी काम करेगा और आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करेगा। तो अब इसकी आइस क्यूब बनाना है, तो आप किसी भी आइस ट्रे में इसको ले लीजिए और फ्रीज़र में जमने के लिए छोड़ दीजिए। एक दो घंटे में बर्फ जम जाएगी और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनके तैयार हो गई आइस क्यूब, और अब आप जेंटली इसको अपने फेस पर रब कर सकते हैं। और आपको एक दिन में दो बार इनको रब करना है, एक एक आइस क्यूब यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पांच बार आइस क्यूब लगा रहे हैं। और आइस क्यूब ठंडी लगेगी तो आप किसी भी कपड़े या टिश्यू पेपर से इसको पकड़ सकते हैं। जो टमाटर होता है उसमें एस्ट्रीजन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि पिंपल को, दाग धब्बे को दूर करती हैं। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है आलू में और नींबू में, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है दाग धब्बों के लिए, पिंपल्स के लिए। ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल पर भी ये काम करेगा, पिगमेंटेशन पर, डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम पर ये काम करेगा। आपको जब आप 3 दिन तक रेगुलर यूज़ करेंगे, सुबह शाम यूज़ करेंगे, तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको कम से कम 1 वीक तक यूज़ कीजिए, आपको डिफरेंस पक्का नज़र आएगा। और इसको रब करने के बाद आप अपने हाथों से, हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए, इसको सूखने दीजिए, और जब ये थोड़ा सा सूखने लगे तो आप इसको वॉश कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि रब करने के बाद आपको बहुत देर तक लगा के रखना है, 2 मिनट तक लगा के रखिए, इसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर दीजिए। और इसके बाद जो भी आपका टोनिंग होती है और मॉइस्चराइज़र होता है वो सब अप्लाई कर लीजिए। इसको लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस भी हो सकती है, तो अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना ना भूलें। इसको यूज़ करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फ्रेश फील होगा, चेहरा काफ़ी क्लियर नज़र आएगा, क्लीन नज़र आएगा। तो इसको प्लीज़ एक बार करके ज़रूर देखना। ये जो आइस क्यूब्स हैं इनको रब करके 3-4 दिन में ही आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा। जब आप 1 वीक तक करोगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक डिफरेंस नज़र आएगा, काफ़ी हद तक आपके जो दाग धब्बे हैं लाइट हो जाएंगे। अगर आपको भर भर के पिंपल्स हैं तब तो बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें, पर एक आधो दाने हो जाते हैं या गर्मी की वजह से दाने हो रहे हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पिंपल्स को भी दूर करेगा और दाग धब्बों पर तो बहुत अच्छे से काम करता है। इसको यूज़ करने पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक दिन में ही चमत्कार हो जाए, पर 3-4 दिन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा और आपको फिर लगेगा कि चलो उसको और यूज़ करना चाहिए, मतलब
10 to 15 डेज इसको यूज़ करके देखना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप भी दाग धब्बों से परेशान हो तो इसको ज़रूर ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और जो भी रिजल्ट्स मिले मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे और लोगों को भी पता चल जाता है कि क्या ये रेमेडीज़ काम कर रही हैं या नहीं। लोग कमेंट्स पढ़ के पता कर लेते हैं कि ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं, बेनिफिशियल है या नहीं। तो अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है तो ज़रूर कमेंट किया करो, बताया करो कि हाँ ये फ़ायदा हो रहा है, या नहीं भी हो रहा है तब भी बताया करो। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।